नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्या, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए हम एक एक सीटों का अलग अलग से ओपिनियन पोल आंकड़ों के साथ ला रहे हैं। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बताया था, ठीक उसी प्रकार एक एक सीटों पर अध्ययन करके, वहाँ के लोगों से बातचीत करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इकट्ठा नहीं बता पाएंगे, इकट्ठा बताने में टाइम लगेगा। तो मैं पहली सीट कालका के लिए ओपिनियन पोल बना चुका हूँ, आंकड़ा मैं दे चुका हूँ। दूसरी सीट आपके सामने पंचकुला है। 2024 का चुनावी शोर है। आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है चुनाव, कांग्रेस अलग लड़ रही है, बीजेपी अलग है, वहीं पर INLD अलग है, वहीं पर जननायक जनता पार्टी अलग है। INLD के साथ मायावती जी की पार्टी लड़ रही है, जननायक जनता पार्टी के साथ चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो आप समझिएगा। और मैं लेकर आ चुका हूँ जो पंचकुला का मामला है, पूरा का पूरा समीकरण कौन किस पर भारी पड़ने जा रहा है आप देखिएगा। पंचकुला में बीजेपी से ज्ञान चंद गुप्ता, जब दैनिक भास्कर ने सर्वे कराया तो किसको टिकट मिलना चाहिए, ज्ञान चंद गुप्ता को 55% लोगों ने कहा, और रंजीता मेहता को 14% लोगों ने कहा, प्रमोद बंसल को 9%, अन्य को यहां पर 22% लोगों ने कहा कि इनको टिकट मिलना चाहिए। जीत हार नहीं, टिकट किसको मिलना चाहिए ये पार्टी वाले ही बताते हैं। और जब पंचकुला में कांग्रेस के लिए पूछा गया तो कांग्रेस से चंद्रमोहन पहली पसंद बताए गए, चंद्रमोहन को 48% लोगों ने कहा, उपेंद्र कौर को 26% लोगों ने कहा, रविंद्र रावत को 18% लोगों ने, और 8% अन्य को यहां पर मौका मिला। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2019 में जब चुनाव हुआ था चंद्रमोहन कांग्रेस की तरफ लड़े थे, ज्ञान चंद गुप्ता बीजेपी की तरफ से लड़े थे। और इस सीट पर मैं आपको बता दूं, इस बार भी इन्हीं दोनों प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। पिछली बार बीजेपी यहां पर चुनाव जीत गई थी, ज्ञान चंद गुप्ता, समझिएगा यहां पर। अब सब आप जान रहे हैं, दुनिया जान रही है, सब जान रहे हैं कि अब की बार बीजेपी की 2019 वाली स्थिति नहीं है। 2019 में बीजेपी ने 10 लोकसभा की सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में 5 जीती हैं, वो लोकसभा की बात है। और बहुत ही भयंकर विरोध है बीजेपी का हरियाणा में। ये जान लीजिए कि हार को अगर सम्मानजनक हार में बीजेपी तब्दील कर ले तो बड़ी बात होगी। भाजपा से ज्ञानचंद गुप्ता लड़े, 5633 वोटों से चुनाव जीते। चंद्रमोहन चुनाव लड़े और चंद्रमोहन कालका से कई बार चुनाव जीत चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कालका जो पहली सीट है समा, अब यहाँ पर कांग्रेस से यहाँ पर 55,904 वोट पाए थे, बीजेपी 61,537 वोट पाई थी, INLD 1.86%, 2342 वोट। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 50-50 का चुनाव रहा है। दो बार बीजेपी जीती है, दो बार कांग्रेस यहाँ पर चुनाव जीती है। और 2019 में आप देख लीजिए, 2014 में बीजेपी चुनाव जीती, लगातार दो बार चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी की लहर दोनों बार थी, लेकिन भैया अब की बार लहर नहीं है। सच यही है, आप जिसको चाहें उसको मान सकते हैं। 2009 में कांग्रेस जीती है, 2005 में कांग्रेस जीती है, 2000 में INLD जीती है, और 1996 में राजकुमार HVP चुनाव जीती है। अब की बार हमारा जो आकलन, हमने जो लोगों से बात की है, पता हमें लगा है कि यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। दो सीटें मैंने आपको बताई हैं, कालका और पंचकुला, और भी बताऊंगा, दोनों पर कांग्रेस है, और बीजेपी का भी जहाँ मजबूत पहलू है वहाँ पर बीजेपी का भी मैं बताऊँगा, जहाँ पर अन्य JJP का मजबूत पहलू है वहाँ पर JJP का भी मैं बताऊँगा। एक एक सीटों का मैं आकलन निकाल रहा हूँ और एक एक सीटों के माध्यम से हम वीडियो आपको बनाकर देंगे। नमस्कार।